Good morning, students. I welcome you all in your sixth class. Myself, Kumud Parekh, your SST teacher. I would like to congratulate you all on your promotion. Students, today we will study our first chapter in history, that is Introducing History. Itihas ka parichay. What is history? History means study of past. जो बीत गया उसके बारे में जानकारी करना इतिहास है. कभी कभी बच्चों हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, या हमारे पूर्वज कौन थे, वो सब कहाँ से आए थे. इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलता है केवल तब जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं. When the past events are studied carefully and systematically on the basis of available material remains and records, it's called history. The person who carries out such studies and records the findings is called a historian. Historian means itihaskar, वो लोग जो कि इतिहास लिखते हैं. They are known as historians. Do you know how historian arrange the events? अब इतिहासकार किस तरह से घटना को जोड़ते हैं? They do it in the chronological order. Chronological order means कालानुक्रमिक क्रम में, मतलब घटनाएं कौन कौन से समय में किस हिसाब से घटित हुई होंगी. That is, events before first followed by events that happened later. मतलब जो घटना पहले हुई है उसके बाद में जो घटना हुई है. इन हिस्ट्री वी फाइंड डेट्स विथ BC और AD. BC इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा से पूर्व. एंड AD मीन्स एनो डोमिनी, दैट इज इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब ईसा के जन्म के पश्चात. AD is usually written before the numbers. For example, AD 150, which means 150 years after the birth of Christ. And in recent time, we usually do not put AD before the year. आजकल हम AD नहीं लगाते. The dates for BC go backwards. BC में जब हम तारीखें गिनते हैं तो हम पीछे की तरफ चलते हैं. जैसे कि 232 BC will come before 185 BC. To calculate the number of years between a date in BC and one in AD, the two should be added together. For example, 250 BC and AD 150 means 250 plus 150 is equals to 400 years. Historians have divided history into three periods. The three periods are ancient, medieval, and modern period. In this class, we will study about the ancient period. There are three types of history. They are prehistory, proto-history, and history. Prehistory, the period for which we do not have any written records. Man did not lead a settled life but wandered from place to place. He did not know how to read and write. This period is called prehistory. उस समय जब आदमी लिखना नहीं जानता था, वो खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था, और उस समय के बारे में हमारे पास में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है. ये समय कहलाता है प्री हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड है जिसके बारे में हमारे पास कुछ एविडेंसेस मौजूद हैं. एंड हिस्ट्री इज़ द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स, दैट इज़ नोन एज हिस्ट्री.
सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अब इतिहास के स्रोत्र, हमें कैसे पता लगता है इतिहास के बारे में। स्टूडेंट्स, हिस्टोरियंस आर लाइक डिटेक्टिव्स, इतिहासकार जासूस की तरह होते हैं। दे हैव कंक्लूजन्स फ्रॉम क्लूज एंड एविडेंसेस, वो निचोड़ निकालते हैं उन्हें जो भी साक्ष्य मिलते हैं उनसे, विच आर ऑल्सो कॉल्ड सोर्सेस मटेरियल। सोर्स मटेरियल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर टॉयज, बोन्स, वेपन्स, कॉइन्स, पॉटरी, ज्वेलरी, इनस्क्रिप्शंस, मोनोमेंट्स एट्सेट्रा। एंड लिटरेरी सोर्सेज आर ऑल रिटन रिकॉर्ड्स, लिटरेचर, मैनुस्क्रिप्ट्स एंड इनस्क्रिप्शंस आर ऑल्सो कंसिडर्ड इन लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, दे आर रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर मतलब वो साहित्य जो कि धर्म के लिए लिखा गया है, दैट आर द वेदास, द एपिक रामायण एंड महाभारत, पिटिकाज एंड अंगाज। एंड सेक्युलर लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर मीन्स द लिटरेचर विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद द रिलीजन, जो धर्म से संबंधित नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कौटिल्याज अर्थशास्त्रा एंड कालिदासास अभिनना शाकुंतला। द हिस्ट्री that we read is the result of lifelong research by many scholars. वो इतिहास जो कि हम पढ़ते हैं वो हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने काफ़ी खोज करके प्राप्त किया है। Children, love your history. It helps us to understand our culture roots. Thank you. And have a nice day.